बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग पर तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। अरसलान अरशद मेरा नाम है और आज की इस वीडियो में मलीर के एक सरकारी स्कूल व कॉलेज में टीचर्स की जॉब्स आई हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आगे चलने से पहले आपको बता दूँ कि इन जॉब्स को सिर्फ ख़वातीन टीचर्स ही अप्लाई कर सकती हैं, और जो सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें उर्दू है, इंग्लिश है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, साइकोलॉजिस्ट का सब्जेक्ट है, मुताले पाकिस्तान है, मैथ है, फिज़िक्स और मोंटेसरी टीचर है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एडवर्टाइजमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। आगे चलने से पहले आपको बता दूं कि इसी चैनल पर हर हफ्ते जो है वो पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब शेयर की जाती हैं। इसी तरह के नोटिफिकेशन अगर मुस्तकबिल में हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज है जी मलीर कैंट का, यहाँ पे जो जॉब्स आई हैं उसमें जो सबसे पहली जॉब है वो आर्ट टीचर की है, आर्ट्स टीचर की। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्ट पेंटिंग और डेकोरेशन में, साबित शुदा अहलियत के साथ कम से कम 2, यानी कि 2 साल आपने आर्ट वर्क जो है वो प्रोफेशनली कहीं ना कहीं पर किया हुआ हो। इसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, इस में जो है वो आपका साइकोलॉजी में बीएससी या मास्टर क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा और कम से कम 2 साल का तजर्बा जो है वो आपसे रिक्वायर्ड है। ऐसे सारी जॉब्स फीमेल्स के लिए हैं, ख़वातीन के लिए हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसके बाद जो उर्दू टीचर हैं उनके लिए है जी HEC से तालीम शुदा यूनिवर्सिटी से मुतलका मज़ामीन में मास्टर, यानी कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं आपने इसमें मास्टर किया हुआ हो और 2 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट बताता हूँ इसलिए, फिर इंग्लिश की टीचर हैं, पाक स्टडीज़ की टीचर हैं, मैथ की टीचर हैं, फिज़िक्स की टीचर हैं और मोंटेसरी की टीचर हैं। मोंटेसरी वाली जो टीचर्स हैं उनके लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट में चेंजिंग है, मोंटेसरी डिप्लोमा होना चाहिए, ECED के साथ बैचलर डिग्री हो, अच्छी शहरीत के जो हामिल किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने 2 साल जो है मोंटेसरी में टीचिंग की हो। अब आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बता दूँ के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान जो उनके आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो आपने सेंड करने हैं दिए गए फॉर्मेट के मुताबिक जी। आपने 13 जुलाई 2023 तक जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड मलीर बोस्तान लाइन मलीर कैंट कराची को अरसाल करने हैं, या फिर आप पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप टाइप करेंगे career.mlc.gov.pk। तो ये 2 तरीके हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ पर आपको फर्दर प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने 13 जुलाई तक जो है वो सेंड कर देने हैं इनको, जो एड्रेस मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। इसके बाद जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो आप देख लें कि उम्मीदवारान दरख्वास्त फॉर्म पर इसी असामी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्लैरिटी से उसके ऊपर मेंशन करना है। ये असामियाँ नाकाबिले मुंतकिल होंगी और भर्ती कंट्रैक्ट की बुनियाद पर होगी और ऐसे ही रहेगी, यानी कि अभी ये आपको कह रहे हैं कंट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। तनख्वाह का पैकेज मार्किट पैटर्न के साथ पुरकशिश और काबिल मुवाजना होगा, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट इंटरव्यू के लिए कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। अब जो लोग जो हैं वो फिज़िकली बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो ये एक फॉर्म है, आप जो है फोटोकॉपी वाले को ये फॉर्म दें और उसको कहें कि इसको बड़े साइज़ में आपको स्कैन करके प्रिंट निकाल के दे दे, इसी पर आप जो है वो अपने डाटा फिल करके आप सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको MS Word आता है तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, इसको खुद से टाइप कर लें, अच्छे से टाइप कर लें और इस पर फिर आप डाटा जो है वो एंटर करके सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।